सो हे गाइज, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वाड़ी चैनल आसन फोटोग्राफी। गाइज, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बेस्ट सीवी फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में बतलाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप लोग काफी कम समय में सीवी फोटो एडिटिंग कर सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का फोटो को वन क्लिक में एडिट करना सीखना, तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखती रहिएगा, और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को वन लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन पे कर देना। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो मेरे प्यारे भाई लोग, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करना है। ऐप का क्या नाम है अभी आप लोग को बतलाऊंगा, पहले आप लोग वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, ऐप को ओपन करते ही इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एक एलो एक्सेस के नेम से ऑप्शन आएगा, तो उसी वाले एलो एक्सेस के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अलाउ ऑल कर देना है। तो यहाँ पर अलाउ ऑल करते ही आपका सारा फोटो यहाँ पर दिखने लगा, जो कि आपके गैलरी में होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे में गैलरी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उसी वाले गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करके जिस फोटो को आपको एडिट करना है उस वाले फोटो को यहां पर ऐड करना है। जैसे कि मैंने इस वाले फोटो को यहां पर ऐड किया है और एग्री के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहां पर ये आ चुका है, देख सकते हो। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि अपने फोटो में लाइटिंग वगैरह को एडजस्ट करना, तो एडजस्ट करने के लिए यहां पर इसको लास्ट में करना है, तो लास्ट में आपको एडजस्टमेंट के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ये वाला टूल, तो इसी टूल के ऊपर क्लिक करना है। इस वाले टूल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इन्हेंस को कुछ इस टाइप से बढ़ाना है ताकि आपका फोटो HD के अंदर दिखे, और हल्का सा ब्राइटनेस को भी इस तरह से बढ़ाना है। अगर आपका फोटो ज़्यादा ब्लैक होगा तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस तरह से बढ़ा लेना। तो मैंने कुछ इतना इसको बढ़ा लिया है, और हल्का सा हाईलाइट को भी बढ़ाते हैं इस तरह से, और शेडो को भी बढ़ाते हैं। ये चीज़ आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हो, तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ इस तरह से। और अब नीचे की साइड में यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसी वाले अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको बतलाता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने फेस में कैसे लाइटिंग दे सकते हो। तो लाइटिंग को देने के लिए बगल में आपको पेंट के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसी वाले पेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, स्किन टोन के नेम से एक ऑप्शन आएगा फर्स्ट में, तो उसी वाले स्किन टोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्या करना है, इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है जो कि व्हाइट कलर है, तो इसी कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और कुछ इस टाइप से फोटो को आप लोग जूम करके अपने फेस पर इस तरह से इस वाले ब्रश को यहाँ पर ड्रॉ करना, ताकि आपके फेस में लाइटिंग आए। तो मैंने यहाँ पर टाइम देकर काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे में फिर से अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देख सकते हो बिफोर और अभी का फोटो कितना चेंजिंग आ चुका है इतना ही काम करने के बाद। अब आपको बतलाता हूँ कि आप लोग वन क्लिक के अंदर बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हो। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, दिखलाता हूँ कहाँ गया भाई, ये रहा बैकग्राउंड का एक ऑप्शन, तो इसी वाले बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बगल में आपको बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिलता है, जो कि देख सकते हो कितना सारा बैकग्राउंड दिया गया है। तो जो आपको पसंद आता है आप लोग अपने फोटो के हिसाब से लगा सकते हो, जो कि ये सीवी बैकग्राउंड है, यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा सीवी बैकग्राउंड दिया गया है, जो कि यहाँ पर ये सीवी बैकग्राउंड है, देख सकते हो कितना मस्त तरीके से लग चुका है यहाँ पर सीवी बैकग्राउंड वन क्लिक के अंदर। अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है बहुत सारा बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक वेब के नेम से ऑप्शन आएगा, तो उसी वाले वेब के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जिस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पर आप लोग लिख के सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीवी बैकग्राउंड लिख के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो सीवी बैकग्राउंड लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है, कितना सारा सीवी बैकग्राउंड आ चुका है बिना डाउनलोड किए हुए। तो आपको जो पसंद आता है यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके उपयोग में ले सकते हो। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके देखता हूँ, जो कि ये रहा ये वाला सीवी बैकग्राउंड, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यूज का बटन देखने को मिलता है, तो उसी वाले यूज के बटन पर क्लिक करना है। यूज के बटन पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये आपके फोटो में लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको पसंद आता है तो नीचे में अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए बगल में आपको ब्लर के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसी वाले ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक
करना है। और सेकेंड नंबर पर बोके के नेम से ऑप्शन आएगा, तो इसी वाले बोके के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप लोग फुल इंक्रीज कर लेना। इस तरह से यहाँ पर आपको हर तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है, जो आपको पसंद आता है आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग इसी वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अपने बैकग्राउंड को लगाने के लिए यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और फिर से बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर एक गैलरी के नेम से ऑप्शन है, तो इसी वाले गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और आपके पास अगर बैकग्राउंड है अलग से तो आप लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। सो, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, गैलरी से इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक अमाउंट यहाँ पर मिलेगा देखने को, तो इसके अमाउंट को यहाँ पर हल्का सा माइनस स्कोर करना है ताकि ये वाला इफेक्ट आपके फोटो पर ना अप्लाई हो। और अब अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग और ब्लर करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेकेंड वाले को सिलेक्ट करके इस तरह से आप लोग कर सकते हो ब्लर, और यहाँ पर इसको डन करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बैकग्राउंड के साथ अपने फोटो को मैच कराना है। तो ये चीज़ करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने कपड़े को कलर करना है। तो कपड़े को कलर करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, पेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। और यहाँ पर क्या करना है, स्किन टोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन खुल जाएगा। अब जो कलर का आपका बैकग्राउंड था उस वाले कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर इसको डन करता हूँ, यानी कि कहीं पर भी एक बार टैप करता हूँ और फोटो को जूम करके ब्रश को फुल इंक्रीज करके कुछ इस टाइप से कलर कर लेते हैं। तो अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो मैच कितना बेहतरीन तरीके से हो चुका है। कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइट के पीएनजी को ऐड करना है। तो लाइट के पीएनजी को ऐड करने के लिए सबसे लास्ट में ओवरले के नेम से एक ऑप्शन आएगा, तो इसी वाले ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो लाइट के पीएनजी को लगाना होगा यहाँ पर इसको क्लिक कर लेना, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसको आप लोग कुछ इस टाइप से एडजस्ट वगैरह करके लगा सकते हो। अब आपको बतलाता हूँ कि आप लोग हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हो। हेयर स्टाइल को बनाने के लिए यहाँ पर एक हेयर स्टाइल के नेम से ऑप्शन आएगा, ये रहा, तो इसी वाले हेयर स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है इस तरह से। और जिस तरह का आप लोग हेयर अपने फ़ोटो में लगाना चाहते हो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, जो कि देख सकते हो ये टकला कर दिया है भाई, ये बहुत ही गंदा लग रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको इस तरह का रखना होगा तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हो, और एक्स्ट्रा पार्ट को इजे ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह से रिमूव यहाँ पर कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोग इस वाले एप्लीकेशन का उपयोग करके अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। बाकी फ़ोटो को सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव करना है।